What's up? Welcome to Blessings Tarot. I hope you're doing good, healthy, happy, safe and sound, guys. So my love, beautiful love. आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है कि आपकी शादी कैसे होगी, हाउ यू विल गेट मैरिड. ये लव मैरिज होगी या ये होगी अरेंज मैरिज. ओके, सो आपके पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू. चूज़ योर नेम इनिशियल्स एज पर योर चॉइस एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग. एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. सी यू देयर. हेलो लवली एंजल ग्रुप वन, इफ यू चूज दिस कार्ड. चलिए आइए देखते हैं कि हाउ विल यू गेट मैरिड. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी टेन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, Princess of Pentacles, Six of Cups. Okay, Six of Cups. Guys, अभी मैं ऑरेकल्स से भी आपकी रीडिंग देखती हूँ, लेकिन अभी तक जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है सब कुछ आपका मसला, माय ब्यूटीफुल लव, आपकी शादी का सिस्टम ये है कि अभी आपकी फैमिली को, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं, काफ़ी हद तक टेंशन है आपकी शादी को लेकर. वो काफ़ी सोचते हैं टेन ऑफ वैंड से ना, काफ़ी बर्डन है उनको कि आपकी शादी, मतलब वो चाहते हैं कि जल्दी से कर दें. वो चाहते हैं कि, मतलब उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया हुआ है रिश्ता, आपकी एज जो भी है नज़र में रखने शुरू कर दी उन्होंने, लड़का या लड़की जो भी आपके जेंडर है. ठीक है, तो स्पेशली यहाँ क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दो क्वींस हैं. ओके, स्पेशली आपकी मदर और उनकी सिस्टर, यहाँ आपकी मदर या उनकी कोई सी भी सिस्टर इन लॉ, ये दोनों मिलके कुछ ना कुछ आपका सोच रहे हैं. दो दो महिलाएं हैं यहाँ पर, दो हैं वुमेन, आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, दोनों मदर और ग्रैंड मदर दोनों मिलके. ठीक है, ये तो मतलब आपकी मम्मी और आपकी दादी या नानी, राइट. ये स्पेशली घर की खवातीन को आपको, घर की जो हैं औरतें वो काफ़ी परेशान हैं आपकी शादी को लेके. परेशान ना भी हो, बट दे आर वेरी मच कंसर्न्ड कि आपकी शादी जो है वो करनी है, राइट. अब टेन ऑफ कप्स है यहाँ, ठीक है, एक्सट्रीम फैमिली इन्वॉल्वमेंट है एंड आपकी परिवार आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, चाहे आपको अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, डजेंट मैटर, वो आपसे बेइंतहा आपको चाहते हैं, राइट. और वो ये चाहते हैं कि आपके लिए सिक्स ऑफ कप्स के साथ कोई ऐसा पर्सन ढूँढा जाए जो सारी उम्र आपके साथ रहे और कभी भी आपको छोड़ के मत जाए, ठीक है. लेकिन बात यह है कि शादी कैसे होगी, राइट. आपको ना ऐसे, यू आर अ प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स ऑफ योर होम, ठीक है, ये घर की लक्ष्मी होती है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स. एंड आपको कहीं ना कहीं समझा जाता है आपके बड़ों की नज़र में कि आप अभी छोटे हो मेंटली, आपको नहीं इतनी समझ कि कौन क्या अच्छा है क्या बुरा है, राइट. चाहे आप समझदार हो बहुत ज़्यादा, लेकिन यू नो बड़ों के लिए हम हमेशा छोटे होते हैं ना. तो ये सीन है यहाँ आपका, ठीक है. आपकी फैमिली हमेशा आपको यही समझती रहेगी हमेशा एंड तक कि आप अभी छोटे हो, राइट. आपको समझ नहीं है कि किस तरह किसको कब कैसे चूज़ करना है, ठीक है. तो इन माय ओपिनियन, मेरे केस में आपकी शादी का यही होगा सिस्टम कि आप जो हो आपके घर वाले ही आई थिंक ढूंढेंगे. लेकिन ठहरे, मैं लेट मी चेक योर एनर्जी, मैं ओरेकल से देख लूँ. यहाँ पे आपके लिए है स्टॉर्म वार्निंग, थिंकिंग वुमेन, द
डोर टू पर्सनल हीलिंग, डोर टू रोमांस। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अब गाइस देखें, मैंने आपको बताया था ना कोई वुमेन सोचती है आपके बारे में, यू सी दिस थिंकिंग वुमेन, आ गया ना, है ना। तो ये आपकी मदर ही है, या कोई भी ऐसी महिला जो एक्टिंग मदर है आपकी, तो ये वो है, राइट। आप शायद दिल दिल में किसी को पसंद करते हो, ठीक है, या जब तक आपकी शादी होगी शायद आपको कोई पसंद आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीन ये है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है आफ्टर वॉचिंग दिस ओरेकल कार्ड्स। अब सीन ये है गाइस कि हो सकता है आपकी शादी, आपको कोई पसंद आ जाए और आप अपने घर में उनको उनके बारे में बताओ कि मुझे ये पसंद है, ठीक है। एंड फिर दिस स्टॉर्म वार्निंग, हो सकता है आपके घर वालों को अजीब सा लगे या उनका रिएक्शन कुछ और ही हो, ठीक है। लेकिन लेकिन उनके लिए पहली प्रायोरिटी यही है कि आप खुश रहो, आप लाइफ में हीलिंग आपको मिले और आपको हैप्पीनेस मिले, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि आपको जो पसंद का लड़का या लड़की है, डोर टू रोमांस, वो सबसे पहले जाकर उसको देखेंगे ज़रूर कि कौन है, ठीक है। आपको रिएक्ट नहीं करेंगे इतना शुरू शुरू में, हो सकता है आपको चुप हो जाए, आँखें ओके चलो ठीक है देख लेते हैं कौन है तुम्हारी पसंद, ठीक है। तो आपकी शादी का ये होगा कि वो आपकी पसंद के लड़के या लड़की को एक दफ़ा जा कर के देखेंगे ज़रूर, उनसे मिलेंगे ज़रूर और उसको सीरियसली कंसीडर करेंगे। ये नहीं कि ऊपर से बस आपको पूरा करने के लिए देख लिया और उसकी अपनी मर्ज़ी, ऐसे नहीं है, ठीक है। वो डेफिनेटली जा कर के देखेंगे, उनसे मिलेंगे और अगर उनको पसंद आया तो यहाँ पर रिश्ता हो भी सकता है, बिकॉज दिस इज़ डोर टू रोमांस, राइट। मुझे थोड़ी और एनर्जी चेक करनी पड़ेगी कि लाइक क्या होगा उसके बाद, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द वर्ल्ड, ये है कि आपको अपनी नर्व्स को रखना पड़ेगा स्ट्रांग, मैं बता दूँ, ठीक है। अगर आपको वाकई कोई पसंद है तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर पक्का रहना पड़ेगा, मैं बता दूँ मैं आपको, ठीक है, नहीं तो हम आपके हाथ से निकल जाएगा ये केस। और दूसरी बात ये है कि किसी के केस में हो सकता है ये पर्सन आउट ऑफ द कंट्री हो, ठीक है, सबके लिए नहीं है लेकिन पॉसिबल है। अब नेक्स्ट बात ये है कि आपकी पसंद को देखा ज़रूर जाएगा और बड़ी स्ट्रांगली देखा जाएगा, राइट। आपके फादर भी उसको काफ़ी क्रिटिकल एक एनालिसिस होती है चीज़, अगर आपको पता है तो उस तरह देखेंगे कि लाइक क्या है ये करता क्या है, ये इसकी फैमिली क्या है, ये पीछे से कैसे हैं, ये वो जो हमारे पेरेंट्स फुल इंक्वायरी कर रहे होते हैं, राइट। तो स्पेशली देसी पेरेंट्स, तो बहरहाल इस तरह का सीन है, तो उसकी फुल इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद जा कर के फाइनल आउटकम जो होगा, लेट मी सी विद दिस मोनोलॉजी, सरेंडर टू डिवाइन, लक इज ऑन योर साइड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यस। ग्रुप वन ऐसे होगा कि ये पर्सन आप फाइनली इतनी बड़ी सिचुएशन हो ख़राब इधर हो सकती है घर वालों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कि आप फिर सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दोगे, अब देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। लेकिन आपकी साइड पर लक होगी, ठीक है, लक आपके साइड पर होगी और आप इनिशिएटिव, ये जो आपने फर्स्ट मूव लिया है, आपने जो इनिशिएटिव लिया है घर वालों को मनाने का, ये आप देख लेना, ये कहीं ना कहीं जा कर के लगेगा ज़रूर, ठीक है। मतलब आई वॉन्ट टू से हाउ टू एक्सप्लेन इट, के ये सफल होगा, यू विल बी सक्सेसफुल, राइट। लेकिन एक बात बता दो, न्यू मून इन सेजिटेरियस, लक इज़ ऑन योर साइड,
अगर तो यहाँ पर फिर डिवाइन इन्वॉल्वमेंट हुई है, देखिए उसे सरेंडर टू डिवाइन फुल मून, डिवाइन इंटरवेंशन होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि इन द लॉन्ग रन ये पर्सन आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट? होगा वही फिर वो जो आपके हक में बेहतर होगा, राइट? अगर तो ये पर्सन वाकई में आपके साथ सिंसियर है या इनकी फैमिली आपके लिए बेहतर रहेगी तो आपके घर वाले मान जाएंगे, ठीक है? इसलिए मैंने लक के मतलब फाइनल आउटकम के दोबारा से कार्ड्स निकाले हैं सो दैट पता चले क्या बनेगा उसके बाद, ठीक है? नहीं तो घर वाले आपके यहाँ से रिफ्यूज़ कर देंगे या वो लोग ही इन रिफ्यूज़ कर देंगे एंड आपकी शादी फिर 100% अरेंज मैरिज होगी और वो पर्सन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा बिकॉज आप लकी हो। अगर आप इनसे शादी होती है, देखो आपने रहना लकी, चाहे आप इनसे शादी हो या ना हो तो भी आप लकी हो गए, आप बच जाओगे यू नो फ्यूचर किसी भी प्रॉब्लम से। और अगर आप की शादी होती है तो भी आप लकी होगे, ठीक है? क्योंकि हो सकता है फिर इससे अच्छा आपके लिए डिवाइन कोई और समझते ही ना हो, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? सो यहाँ पर आपको डिवाइन पर छोड़ना पड़ेगा ग्रुप वन, दिस इज़ ऑल आई कैन से एंड दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ हियर, राइट? तो दैट्स हाउ यू विल गेट मैरिड। आपके घर वाले जो भी करेंगे फैसला वो ही बेस्ट होगा आपकी किस्मत के लिए, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो हेलो क्रिप्टो भालतो, आइए देखते हैं कि आपकी शादी कैसे होगी, हाँ किस सिचुएशन में होगी। ओके आपके पास है जजमेंट, व्हील ऑफ द ईयर, व्हील ऑफ फॉर्चून के पास है, व्हाट इज दिस, हेड ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, स्टार, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली हमें लेना ही पड़ेगा टू ऑफ माय क्यूटी पाई। चलो ठीक है, जैसे भी हो आप ठीक हो। अच्छा जी गाइस, बहुत मुझे खुशी हुई है देखकर कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप वन सॉरी ग्रुप टू आपकी जो फुल ऑफ अटेंशन है, आपकी सारी की सारी अटेंशन आपकी है अभी इस टाइम करियर की ओर, या आप जो काम करते हो या आपकी कोई ज़िम्मेदारी है, आपकी फैमिली की ज़िम्मेदारी है, आपकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सारा सारा कंसंट्रेट उस तरफ कर रहे हो, राइट? अभी करंटली तो आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको कुछ करना है, आपको स्ट्रेंथ में आना है, आपका आपको कुछ काम करके दिखाना है, कुछ क्रिएटिविटी है, ठीक है? उसी वजह से आप बड़े परेशान हो अपने वर्क की वजह से, हो सकता है कोविड इशूज़ भी हों उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो, आप परेशान हो अपने वर्क काम की वजह से कि मतलब व्हाट विल हैपन, क्या बनेगा मेरा, राइट? बट आपके जहाँ तक शादी का सवाल है ना, आप यकीन करो कि आपके दो कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द स्टार, ये दोनों कार्ड्स इंडिकेट करते हैं अबाउट यू बीइंग वेरी वेरी लकी एंड ये कि आपकी किस्मत का पहिया जो है वो अब घूम रहा है, अब लग चलने वाला है, बिल्कुल चलने वाली है आपकी किस्मत, सही है? इस सारी सिचुएशन में, आपकी शादी की सिचुएशन में, सिनेरियो में डिवाइन ने खुद आपको एक एम्प्रेस बनाया है, उसी दिस एम्प्रेस कार्ड, राइट? आपकी मर्जी चलेगी,
ठीक है, क्योंकि भगवान ने आपको वो शक्ति, क्षमता, बुद्धि, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग दी है कि आप अपना अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हो। मुझे यहाँ पर एक भी कार्ड आपकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट का नज़र नहीं आया। ठीक है, मैं चाह रही थी, मैंने इंटेंशन भी डाली कि आपकी फैमिली की कोई निकले, इंटेंशंस उनकी के मतलब क्या वो चाहेंगे, क्या उनका फैसला होगा, लेकिन नहीं आया। आई डोंट नो आपकी फैमिली किस किस्म की है, आप ये बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी फैमिली आपको 100% जिस टाइम आपकी शादी की उम्र पहुंचेगी, अब पता नहीं आपकी एज अभी क्या है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एजेस हैं, आपको 100% चॉइस दी जाएगी कि क्या चाहते हो, किससे करनी है बताओ। ठीक है, एंड यू नो द स्टार कार्ड एंड दिस व्हील ऑफ द फॉर्चून, डिवाइन आपके साथ है, आपकी फैमिली साथ हो ना हो, आपका अपना आप भी आपके साथ हो ना हो, लेकिन यू नो डिवाइन को हमारे साथ हमेशा होना चाहिए, राइट। एंड मैं आपको अभी ओरेकल कार्ड से निकाल के बताती हूँ कि अभी ये अरेंज मैरिज होगी कि मतलब आपकी क्या मर्ज़ी होगी, वो मैं निकालती हूँ अभी, लेकिन मैं बता दूँ कि अभी करेंटली डिवाइन ये चाहते हैं कि आप अभी अपने काम पे तवज्जो दो, अगर आपकी एज है अभी काम करने की या पढ़ने की या जो भी, राइट, बिकॉज आपको पूरी पूरी चॉइस दी जाएगी कि क्या करना है विद दिस जजमेंट कार्ड। आप खुद जज करोगे, आप खुद स्ट्रेंथ में फैसला करोगे, ठीक है। और आप बताओ, मैं आप एम्प्रेस हो, यू आर एम्प्रेस, एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट बीइंग वेरी वेरी डिसाइसिव। यू सी कैसे ये एप्पल को स्टेयर कर रही है, राइट, ये सॉरी एप्पल नहीं है, अनार आई थिंक। तो बहरहाल एक तो यहाँ पर प्रेगनेंसी न्यूज़ है आपके लिए, और दूसरा आपके लिए है बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके करियर के ओर से भी, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन है, आपका 100% खुद अपनी डिसीजंस पर अपना होल्ड होगा, आपने क्या करना है, किससे शादी करनी है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है तो 100% ये भी नहीं कहा जा सकता कि लव मैरिज ही होगी, क्योंकि अक्सर लड़कियाँ प्रेफर करती हैं कि उनके पेरेंट्स उनके लिए चूज़ करें, राइट। सो लेट्स सी क्या होगा, व्हाट इज़ एनर्जी, लव आप क्या उस टाइम सिचुएशन में आपकी लव मैरिज जा रही है कि अरेंज मैरिज, ओके आपके पास है अटैचमेंट, के पास है एक्शन, हीलर ऑफ द एजेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड, कितनी शक्ति आप में है, हैप्पी फैमिली, राइट। जी गाइस, अब ये है मसला आपका कि आप की जो है, हो सकता है आपको 25 के बाद 28 की एज में या 30 के बाद आपको किसी से प्यार हो जाए, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, ठीक है। एंड उसके साथ प्यार थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन हो सकते हैं थोड़े से मैनिपुलेटर, राइट, और हो सकता है या आपके उस बहुत अर्ली एज में हुआ था, 17-16 की एज में, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया बिकॉज़ वो चीज़ें ठीक नहीं थी चल रही, ठीक है। एंड आपको रोना आता था, आपको वो रुलाता था, कुछ इस तरह का सीन हो सकता है, या आप खुद ही अकेले में ही रोते थे, वो उस तरह भी रुलाया हो, कोई रीज़न बनी थी, आपने बहरहाल छोड़ दिया उसको, ठीक है। लेकिन एक और पर्सन आपकी लाइफ में आएगा हीलर बन के, ठीक है। एंड इसके हाथ में बहुत, जैसे एक होती है ना हीलिंग, शिफा भी जिसको कहते हैं आपके लिए, राइट, आपके दिल का वो मरहम, आपके दिल का पोर्शन
उसने हील कर देगा आपके दिल को, ठीक है, और वो पर्सन आपकी ओर एक्शन लेगा, राइट। ये आपकी शक्ति बन के आएगा, आपकी आपको दर्द दर्द नहीं देगा, राइट। एंड उसके साथ आपकी एक अच्छी हैप्पी फैमिली बनेगी, ठीक है, उस ही के साथ आपकी शादी होगी। अब यहाँ पर दोबारा से क्लियर इंडिकेशन नहीं आया कि ये पर्सन लव मैरिज के थ्रू आएगा या अरेंज मैरिज के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा, बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी आ रही है विद दिस ग्रुप। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, इट गॉट क्लियर, पता चल गया है। ऑल टाइट अप एंड विक्ट्री गाइस, यस, दिस विल बी आवर लव मैरिज। आपको ये पर्सन खुद से मिलेगा, ये आपकी फैमिली नहीं ढूंढेगी, ठीक है। इट विल बी अ लव मैरिज, आप खुद इसको ढूंढोगे, आपको खुद ये पसंद आएगा और आप पसंद भी इसे खुद ही करोगे, हो सकता है आप इसको प्रपोज भी खुद ही करो, राइट। एंड आपको विक्ट्री मिलेगी, चाहे उनकी फैमिली की ओर से थोड़ा रेजिस्टेंस आ रही है बिकॉज दिस इज़ ऑल टाइड अप, या आपकी फैमिली की ओर से, लेकिन आपको इवेंचुअली विक्ट्री मिलेगी। यू बोथ विल एंड अप मैरिंग ईच अदर। एंड आपको ये पर्सन ना, मैं आपको बात बताऊँ आपकी दिल की, ये आपको दिल दिल में बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपने ऐसे अपना दिल दिल निकाल के उसको दे दिया है, जस्ट टेक इट, टेक इट, ठीक है। तो बहरहाल बहुत ही आपको पसंद होगा, आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया फिर से, उनको ये है कि ठीक है तुमको पसंद है शादी कर लो। गाइज आई थिंक आपके ग्रुप में आप इंडिपेंडेंट हो चुके होगे, तब तक आप इतने ज़्यादा मतलब लाइफ में आगे जा चुके होगे कि आपका फैमिली डिसीजन आपके डिसीजन पर निर्भर करेगा। उस टाइम वो आपको देखेंगे कि आप क्या चाहते हो, आप इतने उस टाइम तक पांव पे खड़े हो चुके होगे, इतने आप इंडिपेंडेंट हो चुके होगे, ठीक है। तो बहरहाल लेट्स सी सम मोर थिंग्स, व्हाट इज़ देयर फॉर यू, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये फाइनल आउटकम है आपके रिलेशनशिप की, एंड द एनर्जी इज गेनिंग द मोमेंटम, ओके। फाइट इज द फाइनल आउटकम, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओके। गाइज यस, आपके शादी में आपके जो पार्टनर हैं उनकी फैमिली की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ सकता है, या थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा, ठीक है, जो कि आपने लिया कि मैंने इसी से शादी करनी है। तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन होगी, आपकी एनर्जी जो होगी वो आपके पार्टनर से ज़्यादा हाई होगी, आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा हाई होंगे उनसे, राइट। तो आपकी मोहब्बत इस तरह की होगी कि वो इसने प्यार में भरते जैसे, सी दिस दिस एनर्जी इज़ गेनिंग द मोमेंटम, ठीक है, और आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आएगा उसके बाद से, या फिर अभी से आ रहा होगा, ठीक है। ये पे जो है ना, मतलब ये जो स्टार्ट है ये एक न्यू मून है, एंड इफ़ यू चेक इट आउट कि अभी भी आजकल न्यू मून के डेज जा रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है यही जो न्यू मून है आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल साबित हो, ठीक है। और जो भी आंसर्स आपको चाहिए, जो भी आपको आपका जो भी क्वेश्चन था, या जो भी आप चाहते होगे उस वक्त लाइफ से, आपको वो ज़रूर मिलेगा, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। लेकिन आपने कभी भी अपनी लाइफ में ना, एक प्राइड एक चीज़ होती है, राइट, उसको कभी भी आने नहीं देना, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। नेवर गेट द प्राइड गेट इन टू योर वे, बिकॉज मैं आपको एक बहुत ऊंचे मुकाम पे देख रही हूँ ग्रुप वन,
आप एक ऐसी जगह मुकाम पे पहुंच चुके होगे कि जहां पर अक्सर लोगों को प्राइड की बीमारी लग जाती है, गरूर करने लग जाते हैं, राइट। तो ये गरूर आपने नहीं करना, बिकॉज़ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत हाई लेवल पर हो, इवन शादी से पहले ही, ठीक है। आई थिंक जो ड्रीम है आपका लाइफ का वो फुलफिल हो चुका होगा उस वक्त तक, ठीक है। तो एनीवेज, दिस वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट। होगी आपकी लव मैरिज या आपके बिल्कुल पसंद की शादी होगी, और बहुत स्ट्रेंथ में मैं देख रही हूँ उस टाइम आपको, ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ में कि मे बी आपके पेरेंट्स भी उस टाइम जो है आपके फ़ैसलों में ना बोले, आप वो समझें कि ये अकलमंद है, इसने जो फ़ैसला लिया होगा अपने लिए ठीक ही लिया होगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू विल गेट मैरिड। आई होप यू लाइक इट रीडिंग, एंड बाय बाय, टेक केयर।